पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड नंबर 23 फाजलपुर अंबेडकर नगर से पार्षद प्रत्याशी कुसुम सैनी को चुनाव मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि कुसुम सैनी निवर्तमान पार्षद अशोक सैनी की पत्नी है और पहले भी कुसुम सैनी पार्षद रह चुकी है। आज क्षेत्र में घूमकर पार्षद प्रत्याशी कुसुम सैनी ने अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार किया और जनता से भाजपा के समर्थन में वोट मांगे। भाजपा प्रत्याशी कुसुम सैनी ने क्षेत्र की जनता से कहा कि विकास के नाम पर आपको वोट देना है और क्षेत्र में लगातार हो रहे विकास कार्यों को आगे ले जाने के लिए वोट देना है। उन्होंने कहा कि जनता के हित में ही भाजपा ने हमेशा विभिन्न योजनाएं चलाई हैं और विकास के कार्य किए हैं, आगे भी विकास के लिए कार्य करना है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता के जो कार्य अभी बाकी रह गए हैं उन्हें भी पूरा कराना हमारी प्राथमिकता होगी। इस अवसर पर सुधीर त्यागी, संजय, शिवम शुक्ला, बबीता, धर्मपाल सिंह, सरोज, विपिन सैनी, विनीत सैनी, लीलावती के साथ और भी समर्थक उपस्थित रहे। तैयारी चुनाव की पूरी चल रही है। हमने सारे जो मीटिंगें हैं कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंगें कर ली हैं और इस समय जनसंपर्क का कार्य चला है। घर घर डोर टू डोर जो है जनसंपर्क हो रहा है। क्या उम्मीदें हैं जनता से इस बार आपको? जनता का पूरा विश्वास है मुझ पर, क्योंकि मैंने कार्य किए हैं, लोग काम आया हूँ, आधी रात खड़ा रहा हूँ, तो उन पर उनका मेरे पर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैं छोटा बड़ा सभी के साथ एक समान रूप से रहा हूं और कार्य किए हैं। जनता ने पूरा मन बना लिया है कि एक तरफा जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी है से बहुत अच्छे वोटों से विजयी होगी। अच्छा, कुछ कार्य ऐसे भी रह गए होंगे जो आपके कार्यकाल में पूरे नहीं हुए, उनको लगभग 95% कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 5% कार्य अपूर्ण हैं जो तुरंत चुनाव जीतने के बाद वो पूरे होंगे। और लोगों ने उम्मीद लगा रखी है, उनकी लोगों की उम्मीदों पर पहले भी खरे उतरे हैं और इस बार भी खरे उतरेंगे। जनसंपर्क अभियान जारी है? जनसंपर्क अभियान पूरा जारी है और जोर शोर से जनता भी पूरा साथ दे रही है। कार्यकर्ता पूरी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनको उनका पूरा एक ही उद्देश्य है कि है भारतीय जनता पार्टी की विजय हो और कुसुम सैनी तीसरी बार पार्षद बने। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।